कितनोरिया में कोरोना पॉजिटिव केस आने पर ग्राम पंचायत के 5 किलोमीटर की परिधि में करीबन 8 दिन से 9 मेडिकल टीमों द्वारा एक एक घर का सर्वे और स्क्रीनिंग किया गया। एक बार पूरा स्क्रीनिंग होने के बाद उन्हीं टीमों के द्वारा अलग अलग एरिया में दोबारा सर्वे में स्क्रीनिंग कार्य शुरू किया गया। तोरी मन्ना से खेताराम पूनड़ की रिपोर्ट। कितनोरिया में कोरोना पॉजिटिव केस आने पर ग्राम पंचायत के 5 किलोमीटर की परिधि में करीबन 8 दिन से 9 मेडिकल टीमों द्वारा एक एक घर का सर्वे और स्क्रीनिंग किया गया। एक बार पूरा स्क्रीनिंग होने के बाद उन्हीं टीमों के द्वारा अलग अलग एरिया में दोबारा सर्वे में स्क्रीनिंग कार्य शुरू किया गया। डॉक्टर महिपाल बिश्नोई एवं डॉक्टर भीखाराम बिश्नोई के सुपरविजन में 9 मेडिकल टीम फिर से जुटी दोबारा सर्वे में। टीम ने कालू की बेरी, समोबस्ती, जाखणों की तला, कितनोरिया, अलखू, फकीर की बस्ती, लशिया में लगातार 8वें दिन एक एक घर जाकर नर्सिंग कर्मी हनुमान विश्नोई, भागीरथ डारा, सुजाना राम विश्नोई, जगदीश विश्नोई, बाबूलाल विश्नोई, प्रकाश विश्नोई, भबूता राम चौधरी, आशा विश्नोई, उगमा विश्नोई, विमला विश्नोई, वीरमा विश्नोई, रामेश्वरी विश्नोई, गोमती विश्नोई, पुष्पा विश्नोई, देवल चौधरी, मिर्गा चौधरी, आचुकी विश्नोई, सरिता बिश्नोई आशा सहयोगिनियों के द्वारा दूसरी बार सर्वे करना शुरू किया है। कितनोरिया के आसपास के कंटेनमेंट और बफर जोन में हमारी 9 टीमों ने लगभग सर्वे का पहला चरण हमने पूरा कर लिया है और अब दोबारा रीसर्वे हो रहा है। हमारी सभी टीमें बहुत अच्छी तरीके से मुस्तैदी के साथ स्क्रीनिंग और सर्वे का काम कर रही है। कितनोरिया में पहला पॉजिटिव केस आने के बाद लगातार 8वें दिन हमारी 9 मेडिकल टीमों के द्वारा सर्वे एवं स्क्रीनिंग किया जा रहा है। इस मिशन में सबसे अहम कड़ी के रूप में नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग कर्मी जो इस मिशन में काम कर रहे हैं, हमें गर्व है कि हम इस डिपार्टमेंट से हैं और इस समय हमें इस महामारी के संकट में देश सेवा और पुण्य का काम करने का मौका मिला है। हनुमान विश्नोई ब्लॉक अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज यूनियन धोरी मन्ना ने बताया है कि 8 अप्रैल के बाद लगातार हम जो इस कार्य में जुटे हुए हैं, बहुत गर्व होता है कि हम इस विभाग के सच्चे सेवक होने के नाते हमें ये पुण्य कार्य और देश सेवा का कार्य करने का मौका मिला है। इस मिशन में लगे सभी नर्सिंग कर्मी यातायात की सुविधा नहीं होने पर भी अपने घर के वाहन लेकर भी सुबह 7 बजे क्षेत्र में हाजिर हो जाते हैं और शाम तक सर्वे पूरा करके वापस घर लौटते हैं। वापस अपने घर में खुद को होम आइसोलेशन पर रहते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो 8 अप्रैल से लगातार इस सर्वे में लगी हुई हैं, वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को उनके दादा दादी के पास रखते हैं और आप खुद अलग रहती हैं, लेकिन ये सब कुछ झेलते हुए भी बड़े उत्साह से इस मिशन में जुटी हुई है।